अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शाहज़ैब मलिक अवान फ्रॉम जेबी टेक्निक्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जी हम बात करने जा रहे हैं कि टेक्स्ट रैप क्या होता है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, या यूँ पूछ लें कि न्यूज़पेपर्स में जो टेक्स्ट लिखा होता है और उनके साथ जो ऑब्जेक्ट या पिक्चर होती है तो टेक्स्ट उसके साथ किस तरह से अलाइंड होता है। तो आज की इस वीडियो में यही हम जानने जा रहे हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने टेक्स्ट को लिखना है और उसके ऊपर आपने अपने उस इमेज को या अपने उस ऑब्जेक्ट को या अपनी उस शेप को वहाँ पे रख देना है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट आपकी इमेज के साथ अलाइंड हो। और उसके बाद आपने सिंपली दोनों अपने ऑब्जेक्ट और अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और फिर ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके टेक्स्ट रैप में जाके मेक के ऊपर क्लिक कर देनी है एंड देयर यू गो, आपका टेक्स्ट रैप्ड हो जाएगा विद योर ऑब्जेक्ट या शेप। तो चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और आपको करके दिखाते हैं किस तरह से काम करता है। हाँ जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि टेक्स्ट रैप क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टेक्स्ट रैप इस तरह होता है कि आपकी इमेज या आपका ऑब्जेक्ट जब किसी भी टेक्स्ट के ऊपर रखा होता है तो वो टेक्स्ट आपकी इमेज के साथ अलाइंड हो जाता है। वेल, उसको बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। और ये किस तरह से होगी, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आप इंतहाई आसानी से कुछ ही स्टेप्स में अपने टेक्स्ट को अपने ऑब्जेक्ट के साथ रैप कर सकते हैं। तो रैप करने के लिए सबसे पहले आपको इमेज चाहिए या फिर आपको चाहिए ऑब्जेक्ट जिसको आप रैप करना चाहते हैं। तो इन दिस केस मेरे पास ये एक टेक्स्ट है जो लोरम इप्सम है। लोरम इप्सम का मतलब ये होता है कि ये एक रैंडम सा टेक्स्ट है जो डेमोस्ट्रेटर डेमो में यूज़ करते हैं, लाइक जैसे कि मैं आज का यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा जी मुझे चाहिए एक ऑब्जेक्ट, तो मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से एक ऑब्जेक्ट मैं यूज़ करता हूँ। ये फिगर है एक मैन का, मैं इसको यूज़ करूँगा। इसको टेक्स्ट रैप करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ऑब्जेक्ट को उठाऊँगा और उसको रख दूँगा इन टू वेयर जहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट को रैप करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ना, देखें जो इसके नीचे टेक्स्ट है वो सारा खजफ हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट इस टेक्स्ट के साथ अलाइंड हो। यहाँ से ये यहाँ ऐसे अलाइंड हो, फिर यहाँ से ऐसे अलाइंड हो। तो इसको ऐसे अलाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, या फिर आपने दोनों के गिर्द मार्की कर लें तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, वहाँ से आपने जाना है टेक्स्ट रैप में और यहाँ पे क्लिक कर देना है आपने मेक के ऊपर। जैसे आप मेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो एडोब इलस्ट्रेटर आपसे पूछेगा कि टेक्स्ट विल रैप अराउंड ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द करंट सिलेक्शन इंक्लूडिंग टाइप ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्लिक ओके कर देना। जैसे ही आप क्लिक ओके करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ अलाइंड हो गया है, लाइक सो। इस तरह से जी आप एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर अपने टेक्स्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर रखे आप उसको अलाइन कर सकते हैं उस शेप के साथ। तो देखें जी, ये हमारे पास टेक्स्ट था। अगर मैं आप अपनी इमेज को यहाँ से पकड़ के या अपने ऑब्जेक्ट को यार पकड़ के कहीं पे भी रख दूंगा तो आपको नज़र आएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट वहाँ पे उसके साथ अलाइंड रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ की। हाँ जी, प्रॉपर्टीज़ कुछ ये है कि देखें हुआ क्या है, हुआ ये है कि एडोब इलस्ट्रेटर ने हमारे टेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्ट के साथ एक स्ट्रोक बना दिया, ठीक है, या फिर इसे कह लें कि ये ऑफसेट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का फासला, अगर आप इस फासले को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में, वहाँ से टेक्स्ट रैप में और यहाँ से टेक्स्ट रैप ऑप्शंस में, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आप क्लिक कर लें प्रीव्यू के ऊपर ताकि आप जो कुछ भी करें तो आपको नज़र आए, ठीक है जी। उसके बाद जी आप अगर इस फासले को ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपने ऑफसेट को ज़्यादा करते जाएँ, ठीक है, जितना ज़्यादा आप चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो सिंपली इसको कम करते जाएं। मैं इसको अराउंड रखूँगा 10 पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और हिट ओके कर दें, ठीक है जी। ये हो गया जी आपका टेक्स्ट रैप। अब जी नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास ये एक और एलिमेंट है, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले तो कर लेता हूँ छोटा, ठीक है, छोटा कर लिया मैंने। अब मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर रैप करना चाह रहा हूँ। अरे ये क्या, ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ, जैसे कि आपको पहले मालूम है कि हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया था,
फिर हमने टेक्स्ट रैप किया था, लेकिन इन दिस केस आपका टेक्स्ट अगर ऑलरेडी टेक्स्ट रैप में है तो आपने सिंपली क्लिक करना है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, फिर आपने जाना है टेक्स्ट रैप में, और फिर आपने क्लिक कर देना है मेक के ऊपर। सिंपली आपने मेक के ऊपर क्लिक करना है एंड देयर यू गो, योर टेक्स्ट हैज बीन रैप्ड। हाँ जी, तो ये थी हमारी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ टैक्स रैप के हवाले से जो कोई भी कन्फ्यूजन थी आपके माइंड में वो अब हल हो चुकी होंगी। मेरा नाम शाहज़ेब मलिक अवान है और आप देख रहे थे जेबी टेक्निक्स एडोब इलस्ट्रेटर की बेसिक सीरीज़। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आप लाइक के बटन को हिट करना नहीं भूलेंगे। और अगर आप फ्यूचर में एक एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।